गुड मॉर्निंग क्लास। उम्मीद है आप लोग घर पे होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और समय समय पर अपने हाथों को भी धो रहे होंगे, है ना। आज ही हमारी हिंदी की पहली फर्स्ट क्लास है। ये आपकी बुक है सृष्टि हिंदी पाठमाला 5। ठीक, आज हम लोग इसके फर्स्ट लेसन को, जो कि एक कविता है, उसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सभी बच्चे अपनी किताब खोल लेंगे। फर्स्ट लेसन जो आपकी ये कविता है उसका शीर्षक है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। देखो उसके ऊपर कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, मैं पहले उसको पढ़ रहा हूँ। भारत को स्वतंत्रता बहुत संघर्षों के उपरांत प्राप्त हुई। भारत का तिरंगा भारत की शान है और इसके सम्मान के लिए हम अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। देखो कितनी सुंदर बात कही है। इस कविता को लिखने वाले लेखक का नाम भी हम पहले जान लें। इस कविता को लिखने वाले जो कवि हैं वो हैं श्याम लाल गुप्त पार्षद, पार्षद उनका उपनाम है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें स्वतंत्रता बहुत संघर्षों के उपरांत मिली। आप लोग भी जानते हैं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, इन सब ने अपनी जान दी। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ये सब लोग रहे इन्होंने, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, इन सब ने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों तक को निछावर कर दिया और बहुत जतन के बाद अंग्रेज़ों के शासन से हमें मुक्ति मिली और हम आज़ाद हुए। ये जो हमारा ध्वज है तिरंगा, इसमें तीन रंग हैं, कौन कौन से तीन रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा, चौथा रंग भी है, आपको पता है जो बीच में चक्र है वो नीले रंग का होता है ना। ये जो तीन रंग हैं ये भी हमारे देश की, जैसे केसरिया रंग है वो बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग है वो शांति का प्रतीक है और जो हरा रंग है वो हरियाली का प्रतीक है। ये तिरंगा, ये झंडा, ये ध्वज हमारे देश की शान है। इसके लिए हमें हमेशा सम्मान का भाव रखना चाहिए हमारे मन में, क्योंकि ये झंडा है तो हम स्वतंत्र हैं, ये ध्वज है तो हम स्वतंत्र हैं। इसी तिरंगे को सम्मान देने के लिए ये कविता लिखी गई है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व, विश्व में विजयी, अब बोलोगे हमने तो कोई देश जीता नहीं, नहीं, विश्व को जीतने के लिए हम अपने प्रेम, हम लोग प्रेम से जीतते हैं, हम लोग शांति दूत हैं, भारत एक शांति दूत है। तो ये इसने विजय, विश्व को विजयी किया है अपनी शांति से, प्रेम से जीता है। विजयी विश्व, तीनों पूरे विश्व में सबसे प्यारा तिरंगा हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमारा झंडा सदैव ऊंचा रहे, कभी ना झुके। सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति सरसाने वाला मतलब हमेशा शक्ति से, शौर्य से परिपूर्ण रहने वाला, भरा हुआ, प्रेम सुधा बरसाने वाला, सुधा मतलब अमृत, प्रेम का अमृत बरसाने वाला, चारों ओर सब जगह हम प्रेम का संदेश फैलाते हैं, सब मिलजुल कर रहे हैं। हमारा देश धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, अनेक तरह के लोग रहते हैं, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। वीरों को हर्षाने वाला, तो वीर हैं तो देश के लिए जान देते हैं, वो इसको देश देख करके उल्लास से भर जाते हैं, खुशी से भर जाते हैं, हमारा झंडा है, ऊंचा है, आप भी वीर हैं, आपको भी अपना झंडा कितना प्यारा लगता है ना। मातृभूमि का तन मन सारा, मातृभूमि मतलब ये हमारी धरती, ये हमारा भारतवर्ष, ये हमारी जन्मभूमि, तन मन सारा ये ही है हमारी मातृभूमि का तन मन, सब कुछ यही है झंडा जो सदा ऊंचा रहेगा,
झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लखकर जोश बड़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर रण में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे। स्वतंत्रता के भीषण रण में, रण भीषण, रण मतलब भयंकर युद्ध भूमि, जो युद्ध है, जो स्वतंत्रता का, जो हमारे स्वाधीनता का जो संग्राम हुआ, जिसके लिए रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, राजगुरु, भगत सिंह, अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, है ना। लगकर जोश बढ़े क्षण क्षण में, उन्होंने जान दे दी। क्यों जान दे दी? इसी झंडे को देख करके उनके मन में वीरता का अनुभव होता था, जोश आ जाता था कि नहीं, हमारा झंडा ऊंचा रहेगा, गिरने ना पाए, सदा ऊंचा रहेगा, हम अपने देश के झंडे को मान बढ़ाएंगे, अंग्रेजों के झंडे को हटाएंगे। कांपे शत्रु देख कर रण में, उन जो शत्रु थे, जो अंग्रेज थे, या जो भी शत्रु होते हैं, जो भी वीर झंडा लेकर आगे बढ़ता है ना, शत्रु कांपने लगते हैं। कारण जानते हो क्या? जो झंडे को देख करके वीरों के मन में जोश आ जाता है। मिट जाए भय संकट सारा, रण में शत्रुओं को देख करके भी इस झंडे के साथ जितना दुख, भय, डर सब खत्म हो जाता है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमारा झंडा सदैव ऊंचा रहे। इस झंडे के नीचे निर्भय रहें स्वाधीन हम अविचल निश्चय, बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे, इस झंडे की छत्र छाया में निर्भय, निर्भय मतलब बिना डरे, इस झंडे, जैसे मम्मी होती, मम्मी को देखते हो, मम्मी के पास रहते हो तो तुम्हें लगता है ना कि हमें कोई डर नहीं है, वैसे इस झंडे के नीचे आ करके भी हमें कोई डर का अनुभव नहीं हो रहा होता है। रहें स्वाधीन हम अविचल निश्चय, एकदम निश्चय ही हम इसके झंडे के नीचे स्वाधीनता से, स्वाधीनता मतलब स्वतंत्र रहेंगे, अविचल, बिना रुके, बिना किसी डर के, बिना डिगे, यहाँ पर इसके झंडे के नीचे, हम झंडे के जब तक नीचे हम स्वतंत्र हैं। बोलो भारत माता की जय, भारत माता, भारत माता का मतलब हमारा देश, हमारी ये जन्मभूमि, पहाड़, नदियाँ, ये हमारी भारत माता है। स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा, ध्येय मतलब लक्ष्य, निश्चय, लक्ष्य हमारा, जो कहते हैं ना टारगेट, यही हमारा हो स्वतंत्रता, है ना, हम हमेशा स्वाधीन रहें, स्वतंत्र रहें, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे। आओ वीरों, आओ बच्चों, वीर तुम भी हो, आओ वीरों, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, अपने देश धर्म की रक्षा के लिए प्राण तक निछावर कर दो, एक साथ सब मिलकर गाओ, सब कोई मिलकर एक साथ गाओ, क्या गाओ? प्यारा भारत देश हमारा, कि हमारा देश महान है, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विजयी विश्व विजय करके दिखलाएं, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा। इसकी शान कभी ना जाए, ये हमेशा ऊंचा रहे शान और शौकत के साथ, चाहे उसके लिए हमारी जान चली जाए, लेकिन हम इसकी रक्षा करेंगे। विजयी विश्व विजय करके दिखलाएं, विश्व को जीत के दिखलाएं। कैसे जीतेंगे? प्रेम से, शांति से। हमारा लक्ष्य रहा है, हमने दुनिया को हमेशा शांति का पाठ पढ़ाया है। तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, प्रण मतलब हमारा प्रॉमिस, है ना, तब होवे प्रणपूर्ण, जो हमने निश्चय किया है वो हमारा पूर्ण होगा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये थी पोयम, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि अपनी कॉपी पे पहले लेसन नंबर 1 लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है, उसके नीचे कविता लिखेंगे 8 लाइन की। देखो यहाँ से चलो
चलिए यहाँ तक देखिए, ऐसे लिखेंगे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और नीचे एक और लाइन लिख देंगे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, 8 लाइन हो जाएंगी यहाँ से यहाँ तक, समझ गए। नीचे झंडा ऊंचा रहे हमारे के बाद एक बार फिर लिखेंगे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, पोयम लिखने के बाद अगले पेज पर ये शब्द अर्थ दिए हुए हैं, उसी तरह कॉपी पे नेक्स्ट पेज पर ये सारे शब्द और अर्थ पूरे। ठीक है, कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, इन 12 यानी कि 12 जो हैं शब्द अर्थ, इनको अपनी कॉपी पे लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी जो एक्सरसाइज है वो क्वेश्चन आंसर्स ये सब करेंगे। ठीक है, तब तक आप अपना ये काम करके रखेंगे सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में। ठीक है बेटा, बाय।